So hello everyone and welcome back to my channel. In today's video we are going to be doing all the questions from linguistics and pedagogy. ये आपके syllabus का एक बहुत ही important section है जिसमें से आपको questions देखने को मिलते हैं. बहुत सारे बच्चों को ये वाला particular section कन्फ्यूज करता है या फिर उन्होंने नहीं पढ़ रखा होता है. सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू इफ यू हैव लेफ्ट दिस पर्टिकुलर सेक्शन कि आप इस सेक्शन के बारे में जान सकते हो. बहुत सारी चीज़ों को देन एंड देयर मैं वहाँ पर आपको समझा दूंगी जिससे आपको बहुत आसानी मिल जाएगी एग्जाम से पहले इस पर्टिकुलर सेक्शन को रिवाइज करने में. नाउ इफ यू लुक वेरी वेरी क्लोजली यू कैन क्लियरली सी कि लिंग्विस्टिक्स एंड पेडागॉजी में दो चीज़ें आती हैं. एक तो है आपका लिंग्विस्टिक्स विच इज भाषा विज्ञान, दूसरी हो गई पेडागॉजी. दैट मीन्स वेन एवर यू आर इन्वॉल्व इन टीचिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज उसके अंदर आप बच्चे को किस तरीके से उस लैंग्वेज को पढ़ाते हो, वो कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके पढ़ाते हो, वो सारा सेक्शन आपका पेडागॉजी में आ जाता है. आई हैव ब्रॉट फॉर यू मिक्स्ड क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ द सेक्शंस. अगर आप चाहोगे आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल लगेगा एंड डिमांड करोगे तो आई विल डेफिनेटली मेक अनदर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन. क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने जो आपको दिखाई देता है स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू. एज यू कैन सी आपको सिर्फ दो स्टेटमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, आपको आंसर खुद से ही क्लिक करना है. आप सभी को पता होते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट वन ट्रू है फॉल्स है. तो क्योंकि फॉन्ट छोटा हो जाता है जब बड़ा क्वेश्चन लेकर आओ तो मैं सिर्फ क्वेश्चन लेकर आई हूँ. ध्यान से देखिए स्टेटमेंट नंबर वन को. द टीचिंग ऑफ नॉन नेटिव लिटरेचर टू द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज एरिड. अब ये क्वेश्चन अपने आप में ही उस बच्चे के लिए इतना कन्फ्यूजिंग हो जाएगा जिसको एरिड शब्द का कोई मतलब नहीं पता होगा. वो वही नहीं समझ पाएगा कि यार अब मैं इस क्वेश्चन में क्या करूँ क्योंकि एरिड शब्द सबको नहीं पता होता है. एरिड शब्द का मतलब होता है लैकिंग इंटरेस्ट. ध्यान से इस बात को समझिएगा. अगर कोई इंसान इंग्लिश को सीखने की कोशिश कर रहा है, उसने इंग्लिश की क्लासेस ले रखी हैं, बिल्कुल ये मत समझना कि हम लोग का नेट वाला जो सिलेबस है उसमें हम लोग इंग्लिश ही तो सीखने की बात कर रहे हैं. यहाँ पे इंग्लिश भाषा को सीखने की बात हो रही है कि अगर आप किसी ऐसी क्लास का पार्ट हैं जहाँ पर इंग्लिश आपको सिखाई जा रही है, वहाँ पे जिस माध्यम से जिस पर्टिकुलर लिटरेचर एंड मटेरियल का इस्तेमाल करके आपको लिटरेचर अगर सिखाया जा रहा है वो आपका इंग्लिश ना हो के सपोज करिए रशियन है, वो आपका सपोज करिए स्पैनिश है, या फिर वो आपका सपोज करिए कि फ्रेंच भाषा है, तो आप खुद बताइए कि क्या आपको इंग्लिश को सीखने में कोई भी इंटरेस्ट आएगा. आप कोई कनेक्शन ही नहीं बैठा पाओगे कि भैया अगर तुम्हें मुझे इंग्लिश सिखानी है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो जो भी मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो मुझे पढ़ाने के लिए उसको कम से कम इंग्लिश में होना चाहिए ना. नाउ फ्यू डेज अगो, मतलब कुछ टाइम पहले, आई वॉज ट्राइंग टू टर्न लर्न जर्मन लैंग्वेज. तो वहाँ पर आई यूज टू सी वीडियोज जहाँ पर जर्मन लिटरेचर ही यूज किया गया है, बिकॉज इफ आई वॉन्ट टू लर्न जर्मन तो मैं इंग्लिश की लिटरेचर की जो लैंग्वेज है उसको सीख कर क्या करूँगी या उसकी स्टोरीज पढ़कर क्या करूँगी. तो यहाँ पे सेम एग्जैक्टली ये चीज़ बोली गई है कि आपके एक द टीचिंग ऑफ नॉन नेटिव लिटरेचर टू द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग बिकम्स एरिड. एरिड का मतलब उसमें बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा. तो ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू बैठ जाता है. स्टेटमेंट नंबर टू, द नेगेटिव रिस्पॉन्सेज इन द ELT क्लासरूम कैन क्रिएट एन इंटरेस्टिंग क्लासरूम सिचुएशन. बहुत ही सही ये स्टेटमेंट है मेरे अकॉर्डिंग कि आपके जो नेगेटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं, नाउ आई हैव बीन अ टीचर फिजिकली इन टू अ स्कूल, तो मैं आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकती हूँ कि जब एक क्लास होती है उसमें टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछती है, कोई एक बच्चा दूसरा तर्क देता है उसका आंसर, एक दूसरा बच्चा दूसरा आंसर देता है, तो वो क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है. जब भी कहीं पे डिबेट होती है, तर्क वितर्क की बातें होती है, तो वो क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है. तो इस चीज़ को आप नेगेटिव सेंस में ना लें कि बच्चों ने अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक नेगेटिव आंसर दिया है दैट मीन्स कि वो क्लास बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी. उल्टा वो क्लास और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, बहुत अच्छा डिस्कशन होता है एंड ऐसा ही कुछ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी होता है. तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हो जाते हैं. लेकिन आप एक चीज यहां पर देखिए कि ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपके ये कीवर्ड्स आपको समझ में आते हैं. तो इसके लिए तो मैं आपको कोई ऐसी लिस्ट बनाकर नहीं दे सकती कि इसे शब्द को आप लर्न कर लो, क्योंकि यू नेवर नो कि यूजीसी नेट आपसे क्या पूछे. बट व्हेनेवर डियर स्टूडेंट्स यू एनकाउंटर एनी सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं वो जरूर से आप लोग अपने नोटबुक में लिखा करो और उसका मतलब लिख लिया करो, जिससे आगे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको आसानी हो.
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को दिखाई देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। हम लोग जब छोटे होते हैं किसी भी भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं, बी इट अवर मदर टंग, हम लोग की हिंदी हो गई, या फिर हम लोग बड़े होते हैं थोड़े से तो हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, आप किसी और भाषा को भी सीखने की जब कोशिश करेंगे तो यही एक नेचुरल ऑर्डर माना गया है। व्हेन यू वांट टू अक्वायर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, जो कि आप लोग पहले आंसर वीडियो को स्टॉप करो, अपना आंसर स्ट्राइक करो, देन ओनली आप करेक्ट आंसर को देखिएगा। इस चीज की आप ही लोग ने डिमांड की थी, आई होप आप लोग अब सेटिस्फाई होंगे कि आप लोग सबसे पहले खुद से अपना आंसर गेस कर पा रहे होंगे। तो नेचुरल ऑर्डर जो है लैंग्वेज एक्विजिशन का वो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब भी आपके सामने आए ना, एक बच्चे को इमेजिन कर लेना, आप देखिएगा कि सबसे पहले एक बच्चा जो होता है अपने आसपास अपने माता पिता या जो भी लोग उससे बात करते हैं उसको सुनने से, उस भाषा को सुनने से स्टार्ट करता है। देन वो धीरे धीरे उसी चीज को इमिटेट करके छोटा छोटा बोलने की कोशिश करता है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उस चीज को उसको पढ़ाया जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सच थिंग्स। फिर उसके कुछ टाइम बाद वो लिखने लगता है। तो यही एक नेचुरल ऑर्डर माना जाता है। व्हेनेवर यू वांट टू अक्वायर एनी एक्स वाई जेड लैंग्वेज, यही ऑर्डर फॉलो किया जाएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ईयर ट्रेनिंग इन ELT। अच्छा, ये ELT का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, बिकॉज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की ही बात कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू सराउंड अवर पार्टिकुलर डिस्कशंस अराउंड द लैंग्वेज ऑफ या लर्निंग ऑफ इंग्लिश ओनली। ठीक है, ईयर ट्रेनिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज ईजिली अचीव्ड बाय, भाई इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग के बचपन में ही था। हम लोग जब छोटे थे नर्सरी, प्री नर्सरी एंड प्राइमरी क्लासेस में, उसमें हम लोग को ईयर ट्रेनिंग, मतलब हम लोग को किसी भी चीज़ को सुनाने के लिए किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहली चीज़ तो आप लोग अपना आंसर स्ट्राइक कर लीजिए अकॉर्डिंग टू वॉट एवर यू फील राइट। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे कि कॉम्पोजिशन का मतलब तो होता है समथिंग दैट यू आर राइटिंग। आपको जब एसे दिया जाता है कि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है या कॉम्पोजिशन है, तो उसका पूरा जो कनेक्शन होता है वो लिखने के साथ होता है, तो ये वाला तो ऑप्शन आपका नहीं होगा। देन क्लोज टेस्ट, आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की एक्सरसाइजेस होती हैं, जो अगेन आपको शो करता है कि ये रिटन के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। प्रेसी राइटिंग, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स, अगर आप ICSE को बिलोंग करते हो तो प्रेसी राइटिंग आपने ज़रूर 11th एंड 12th वगैरह की इंग्लिश में अपना कर रखा होगा, जिसमें प्रेसी राइटिंग आपका राइटिंग से संबंधित है। अगर आपको ये नहीं भी पता है तो राइटिंग से समझ जाना, क्योंकि यहाँ लिखावट लिखी हुई है। तो ईयर ट्रेनिंग का आपके कानों का इससे कोई संबंध नहीं है। डिक्टेशन, बचपन में हम लोग को इमला दी जाती थी हम लोग के टीचर्स के थ्रू, वो हम लोग को इमला दिया करते थे, चीख चीख कर बोलते थे किसी शब्द को एंड हम लोग को उसकी करेक्ट स्पेलिंग लिखनी होती थी। देन लिसनिंग एक्सरसाइजेस, जहाँ पे टीचर्स आपको किसी भी चीज़ को बोल कर सिखाने की कोशिश करती हैं, इससे बच्चों को उसकी करेक्ट प्रोनंसिएशन उनके दिमाग में फिट हो जाती है, एंड दीज आर ऑल दैट कम अंडर द लिसनिंग एक्सरसाइजेस, जिसकी वजह से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2nd and 4th। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, कुछ नया आपको जानने को मिला हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा और अपना एक पॉजिटिव फीडबैक भी जरूर से लिखिएगा। अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिखाई दे रहा है, हाउ मेनी साइलेबल्स आर देयर इन द वर्ड इंट्रांसिजेंटली। नाउ यहाँ पे आपको एक शब्द दिया हुआ है और कहा है कि बताओ भाई कि इसके अंदर कितने साइलेबल्स आते हैं। अगेन ये क्वेश्चन उसी बंदे से बनने वाला है जिसको सबसे पहले तो पता है कि साइलेबल्स क्या होते हैं। तो साइलेबल्स मैं आपको पहले समझा देती हूँ, फिर हम लोग आंसर की तरफ चलेंगे। साइलेबल आपका एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है प्रोनंसिएशन का। अगर मैं बोलती हूँ अ ब ड, तो ये छोटे से छोटा प्रोनंसिएशन जो मैंने आपके सामने किया उसको आप बोलेंगे साइलेबल। अगर मैं इसी का ही पूरा शब्द बना लेती हूँ तो उसको छोटे छोटे खंडों में बांट के मैं साइलेबल्स निकाल लूंगी। आप सोच रहे होंगे कि मैम कौन सा ऐसा रूल होगा जिसके बेसिस पे हम लोग शब्दों को खंडों में बांटेंगे, मतलब संधि विच्छेद करेंगे। तो आपका रूल कहता है कि साइलेबल आपका बना ही होता है, कंटेन करता है वॉवल साउंड को। जिस भी छोटे से छोटे टुकड़े के अंदर आपको एक वॉवल की साउंड मिलेगी, जो आपके कॉन्सोनेंट के साथ मिली हुई होती है, उसको आप कहते हैं साइलेबल। इसी चीज को जब आप स्मॉलर सेक्शन प्रोनाउंसिएबल छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हो तो उसको हम लोग कहते हैं साइलेबल। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको डिवाइड किया है कि इन ट्रांसी
जेंटली आप इसको देखिए, यहाँ पे आपके पांच खंड बनते हैं, पांच डिविजन्स बनते हैं, एंड इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये पांच साइलेबल बन जाते हैं। आप देखेंगे कि इनमें आपका वॉवल्स आप सबको पता होंगे, ए ई आई ओ यू, सब में एक ना एक टाइप की वॉवल की साउंड आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे आपको आई की साउंड दिखाई देगी, यहाँ पे आपको ए की, अगेन यहाँ पे आई की, यहाँ पे ई की, देन आपके एल वाई में भी ली ई की साउंड यहाँ पे आपको सुनाई दे रही है। तो ए ई आई ओ यू में से आपको किसी ना किसी वॉवल की साउंड अगर एक छोटे से छोटे खंड में सुनाई देती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपके इतने साइलेबल का पार्ट बना हुआ है, जिससे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा 5। नाउ आपको अगर ये लग रहा है कि मैं आपको बिना होमवर्क दिए छोड़ दूंगी तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया कि किस तरीके से आपको साइलेबल्स को डिवाइड करना है, तो आप सभी बच्चों को नीचे कमेंट करना है, ये है आपका होमवर्क। इंडिविजुअल आपका एक शब्द है, हिप्पोपोटेमस आपका एक शब्द है, अनइंटेंशनल आपका ये शब्द है। आसान बनाने के लिए मैं बता दूं, सबका जो डिविजन है वो 5 ही होगा, 5 सिलेबल्स आपको इसमें से निकालने हैं। कमेंट करके बताना, मैं ठीक 24 घंटे बाद इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर पिन कर दूंगी वीडियो के नीचे, जब आप लोग आके अपना करेक्ट आंसर चेक कर सकते हो। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सब लोग इसको एक बार ट्राई करो, क्योंकि एग्जाम में आ गया तो यू आर गोइंग टू थैंक मी फॉर दिस पर्टिकुलर होमवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस करेक्टली डिफाइंस द फोनोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ इंडियन इंग्लिश इन रिलेशन टू द स्टैंडर्ड इंग्लिश। अब देखो, आपके यूजीसी नेट किस तरीके से आपको कंफ्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि बच्चा आंसर देखने से पहले 10 बार तो क्वेश्चन ही पढ़े कि अरे पूछा क्या, मुझे समझ ही नहीं आया। अगर आप इस बात से अग्री करते हो तो मुझे एक बार कोई इमोजी अच्छी सी सेंड करके बताना कि हाँ मैम हम लोग अग्री करते हैं। देखो, यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि आपको यहाँ पे जो 4-5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसमें से आपको छाटना है इंडियन इंग्लिश को कंपेयर करते हुए फ्रॉम स्टैंडर्ड इंग्लिश, कि आपकी इंडियन इंग्लिश का फोनोलॉजिकल सिस्टम कैसा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड इंग्लिश वो आपकी इंग्लिश होती है जो नॉर्म सेटिंग कंट्रीज बनाती हैं, जैसे कि हमारे ब्रिटिशर्स हो गए, अमेरिकन हो गए, इन दोनों की ही इंग्लिश को हम लोग फॉलो करते हैं। या तो हम लोग ब्रिटिशर इंग्लिश यूज इस्तेमाल करते हैं या तो अमेरिकन इंग्लिश, ज़्यादातर हम लोग ब्रिटिशर्स की इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दे वर द वंस हू केम इनटू द इंडिया और उनका ही पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो नॉर्म सेटिंग कंट्रीज की इंग्लिश से आप जब अपनी इंडियन इंग्लिश को कंपेयर करोगे तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी इंडियन इंग्लिश में फिट बैठती है, आप अपना खुद से पहले आंसर स्ट्राइक करिए, तभी आप जाकर अपना करेक्ट आंसर देखिएगा जो आपके यहाँ सामने लिखा हुआ है। सिंप्लीफाइड वॉवल सिस्टम एंड दूसरा है प्रेजेंस ऑफ वॉइस्ड एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स। नाउ ये क्वेश्चन काफ़ी डिटेल आपसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिमांड करता है मेरे पार्ट पे कि मैं आपको समझाऊँ, जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पे पॉसिबल नहीं है, पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि आप देखिएगा कि जो हिंदी होती है आपकी, उसकी जो स्पेलिंग्स होती हैं, उसकी जो मात्राएँ होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, सिंपल होती है। अगर आपको कोई भी शब्द लिखना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक मात्रा बढ़ा देते हो तो वो आपकी क्या हो जाती है, मतलब पेन हो गया एंड पैन हो गया, तो उसको आप बदल सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में आप देखेंगे कि आप उसी चीज़ को अगर लिखते हो तो ये ई और एन का खेल नहीं है, आप इसको फोनेटिकली लिखने की कोशिश करोगे तो वो आपका कोई डिफरेंट वॉवल साउंड्स लेके आएगी, जिससे हम लोग को ये पता लगता है कि जो हमारी अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, वेयर एज हम लोग के इंडियन वॉवल सिस्टम बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है इन कंपैरिजन टू। नाउ हम लोग देखेंगे वॉइस्ड एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स को, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप लोग बताना कि क्या मैं ये सही कह रही हूँ नहीं, कि हम लोग को बोला जाए कि बोलो कार तो हम लोग बोलते हैं कार, अगर यही चीज़ आप किसी अंग्रेज को बोलते हुए सुनेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो क नहीं बोलता है, वो ख बोलता है, बोलता है खार। हम लोग को बोला जाए कि आप बोलिए इस चीज़ को तो हम लोग बोलेंगे वाटर, लेकिन अंग्रेज बोलेगा वॉटर। तो आप देखेंगे कि आपके जो अंग्रेज होते हैं, कुछ कुछ ऐसे जो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसमें एच का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उन लोग वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम लोग की तरह नहीं बोल पाते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, हम लोग अगर बोलेंगे कि बदबू
तो वो लोग बोलेंगे भद्भू। आपने इस चीज को देखा होगा, कभी भी किसी ऐसी मूवी को देखिएगा जहाँ पे अंग्रेज होंगे तो भद्भू बोलेंगे, फसीना बोलेंगे, हम लोग पसीना बोलेंगे, प की साउंड आएगी लेकिन उनकी फ की साउंड आएगी। तो ये सब जो आपके वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो आपके इस चीज का पार्ट बनता है। इस पे एक फुल लेक्चर बनने वाला है मेरे कोर्स के अंदर। राइट नाउ मैं अभी आपको इतना ही समझा सकती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं जो कि assertion and reason question है। The dialects of English that have resulted from the regional separation of English speaking communities have not acquired the status of languages. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डायलेक्ट क्या होते हैं। हम लोग एक मतलब इंडिया में ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, तो हम लोग हिंदी प्रधान पर्टिकुलर नॉर्दर्न रीजन्स वगैरह में से आते हैं। एंड उसके भी अंदर अगर आप देखो नॉर्दर्न रीजन्स में, जैसे आप पूरे यूपी को पकड़ लो, तो यूपी में भी अलग अलग तरीके की हिंदी बोली जाती है। जैसे आई स्पेसिफिकली बिलोंग फ्रॉम लखनऊ, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि मतलब हम लोग के बात करने में सो मेनी पीपल हैव पॉइंटेड मी आउट कि व्हाई डू यू से हम, मतलब कि बहुत सारे लोग, बट ये हम लोग की आदत होती है एज यू सी कि हम लोग अपने आप को मैं नहीं बोल पाते हैं बिकॉज वहाँ की लैंग्वेज ही ऐसी है। एंड हिंदी का एक ये अदब वाला वर्जन हम लोग की लैंग्वेज में आ जाता है। वहीं आप थोड़ा सा दिल्ली एंड बॉम्बे साइड चले जाइए, महाराष्ट्र साइड चले जाइए, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तू तड़ाक करके, मैं तू ऐसे करके बात की जा रही है। बोल वो लोग भी हिंदी रहे हैं पर उसी हिंदी का एक डिफरेंट डायलेक्ट, एक डिफरेंट वर्जन हो जाता है। वहीं आप बिहारी किसी इंसान या किसी बनारसी इंसान से अगर आप बात कर लीजिए तो वो लोग खा लीजिए, कर लीजिए, लिख लीजिए, कुछ ऐसे करके वो लोग बात करते हैं। आप सब लोग अग्री कर रहे होंगे, कुछ और एग्जांपल्स आपके पास तो लिखना। तो ये जो अलग अलग वेरिएशंस हम लोग रीजन के अकॉर्डिंग जो बदल जाती है, भाषा नहीं बदल जा रही है आपकी, थोड़ा सा उसमें डायलेक्ट में बदलाव आ जा रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ इस क्वेश्चन में इंग्लिश के डायलेक्ट्स की बात की जा रही है कि रीजन के हिसाब से आपके इंग्लिश के भी बहुत सारे ऐसे डायलेक्ट्स थे जो तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट बन गए, लेकिन उनको आज तक किसी भाषा का एक स्टेटस नहीं मिल रखा है कि भैया लखनऊी भाषा को बिल्कुल करार कर दिया जाए कि इनको एक इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज का स्टेटस मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है जो कह रहा है कि भाई आपकी इंग्लिश के, इंग्लिश की जो डिफरेंट डिफरेंट भाषा है, जो रीजनल डायलेक्ट्स है, वो डिफरेंट तो हुए हैं लेकिन उनको लैंग्वेज का तो स्टेटस नहीं दिया जा सकता है ना। सो दिस इज ट्रू। दूसरा आपका रीजन है द जर्मनिक dialects that are now Dutch, English, German, Swedish, etc. have become distinct owing to geographical dispersion. आपकी Germanic tribes जो आपके Germany में आई थी, जो आप Anglo-Saxon and Anglo-Norman में पढ़ते हो अपने British literature के अंदर, उनके द्वारा लाई हुई जो आपकी भाषाएं थी वो आपके area के according disperse हो गई हैं and distinct languages बन गई हैं। तो ये दोनों ही आपके statement true हो जाते हैं, लेकिन आपका जो R है वो एक correct explanation इसका नहीं बन पाता है। आप video को रोकिए अगर आपको किसी भी में कंफ्यूजन लगता है, तो वापस से इन दोनों को पढ़िए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को मजा आ रही होगी। काफी सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एंड बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस में लेके आई हूँ। कोई ये चंटू बंटू छोटे क्वेश्चन नहीं है, जो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिल जाए आप खुश हो जाओ और आप एक इल्यूजन में रहो, तो मेरी तो बहुत अच्छी तैयारी है। अगर ये क्वेश्चंस आप लोग से बन रहे हैं देन ओनली कंसिडर कि आप लोग ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, और अगर नहीं बन रहे हैं तो अभी जितना आपको समझ में आ रहा है उसको आप अच्छे से कंज्यूम करिए, ठीक है। इन मुझे एक बार ज़रूर से कमेंट करके बताना कि आप लोग इन क्वेश्चंस के बारे में क्या सोचते हो, बिकॉज इंटरनेट पे मैंने देखा है कि बच्चे छोटे छोटे ही क्वेश्चंस करके खुश हो जाते हैं। दे गेट वेरी एंशियस कि अगर उनको एक्चुअल में रियलिटी में ये क्वेश्चंस दिखा दो। इसलिए मैंने टीचर्स को देखा है वो बहुत ही छोटे छोटे MCQs कराना पसंद करते हैं, बच्चों को छोटी सी टॉफी पकड़ा के खुश कर देते हैं, ठीक है। इन अ राइटिंग सिस्टम द मिनिमल यूनिट That can cause a difference of a meaning is called in a writing system. ध्यान से देखिएगा, मैंने उस चीज को थोड़ा सा emphasize करके लिखा हुआ है क्योंकि यही difference बना देगा आपके answer के अंदर। अगर आपको नहीं पता है कि जो फोनीम होता है वो स्पीच के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्मॉलेस्ट डिफरेंस होता है, ग्राफीम आपका राइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला होता है, मॉर्फीम का स्पीच और राइटिंग से ना लेके बट आपके वर्ड से कनेक्शन होता है, एंड जार्गन मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, आपके कुछ ऐसे रजिस्टर्स या टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिसका स्पीच एंड राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जब आपका क्वेश्चन कहता है कि द स्मॉलेस्ट डिफरेंस दैट कैन मेक अ डिफरेंस इन द स्पेलिंग और द वे यू प्रोनाउंस अ पर्टिकुलर वर्ड इन राइटिंग, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए ग्राफीम। मैंने यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि अगर मैं बोलती हूँ बैट एंड पैट, तो आपको बोलते से ही सुनने में समझ में आएगा कि अच्छा बैट में ब बोला मैंने एंड पैट में प बोला मैंने, आपको कानों से ही सुनाई दे रहा है। लेकिन अगर ध्यान से अगर ग्राफीम को देखो, मैं बोलती हूँ बैट एंड बेट,
तो कभी कभी हो सकता है कि किसी से थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए कि इसने बैट बोला या बेट बोला, क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट एक जैसे दिखाई दे रहे हैं. अनटिल एंड अनलेस आई डोंट राइट कि नहीं BAT बैग, यहाँ पे मैं ए की साउंड को एम्फोसाइज कर रही हूँ, BET बेट में मैं ई की साउंड को एम्फोसाइज कर रही हूँ, आपको हो सकता हो पता भी ना लगे, या किसी किसी के प्रोनंसिएशन के थ्रू आप पता ही ना लगा पाओ कि ये बैट बोल रही है या बेट बोल रही है. ठीक है, तो जब आपकी छोटी सी छोटी वो डिफरेंसेस इन अ पर्टिकुलर साउंड्स और द प्रोनंसिएशन इन राइटिंग, वो ग्राफीम कहलाता है, एंड जो स्पीच में होता है वो फोनीम कहलाता है. मैं आपको इसको फोनीम और ग्राफीम को याद करने का एक बहुत ही इजी तरीका बता दूं कि फोनीम मतलब फोन, फोन हम लोग क्या करते हैं कान में लगाते हैं, तो इसका सारा संबंध आपके कान और आपकी स्पीच से है. ग्राफीम हम लोग मैथ्स में, आपको याद होगा कि कुछ ग्राफ बनाया करते थे तो उसको आपको बनाना पड़ता था, इन राइटिंग होता था. तो अगर इस चीज को आप लोग थोड़ा सा याद कर लोगे तो आपके लिए क्वेश्चंस को टैकल करना आसान हो जाएगा. वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करते जाना. व्यूज बहुत सारे आ जाते हैं लेकिन लाइक करने वाले बहुत कम होते हैं, तो ऐसा मत किया करो. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट पिजन एंड क्रियोल. मैं आपको लिख कर दे दूं कि अगर आप लिंग्विस्टिक्स एंड पेडागॉजी कर रहे हो तो पिजन एंड क्रियोल के क्वेश्चन आपके सामने आने ही आने वाले हैं. कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के ये जो क्वेश्चन है एक बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं इसको दर्जा दूंगी इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर. मैं आपको सबसे पहले समझा दूं जिन बच्चों को नहीं क्लियर है, आप सभी बच्चे जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर अच्छे से. आप लोग वीडियो को रोकिए, अपना आंसर स्ट्राइक करिए, एंड देन आई शो यू द आंसर. सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगी, कोई एक ऐसा पर्सन है, सपोज ये एक फ्रेंच पर्सन है, ये आता है इंडिया में किसी मतलब बिहार के गांव में जाता है जहां पर उसको एक फैक्ट्री अपनी खोलनी है. ठीक है, अब बताइए कि इसको तो फ्रेंच आती है, इसको अपनी भैया बिहारी भाषा आती है, ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि मैम इंग्लिश का इस्तेमाल कर लेंगे, थर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लेंगे. सपोज करो फ्रांस वाले बंदे को भी इंग्लिश नहीं आती एंड बिहारी इंसान को भी इंग्लिश नहीं आती, तो बीच में वो कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे? ये दोनों कम्युनिटीज जहाँ पे दोनों की ही लैंग्वेज ना नेटिव है ना कॉमन है, कुछ भी बीच में नहीं आता है, ये दोनों अपनी अपनी भाषा के कुछ कुछ टुकड़े देंगे एक नई भाषा को बनाने के लिए, कुछ कुछ टुकड़ों को इस्तेमाल करके जो दोनों को ही समझ में आएगी. जब दो पर्टिकुलर कम्युनिटीज जो मतलब जिनकी लैंग्वेज कॉमन नहीं होती है, दोनों की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, एक तीसरी नई लैंग्वेज का जन्म करते हैं कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके जो दोनों को ही समझ में आती है, उसको हम लोग बोलते हैं पिजिन. पिजिन कैन नेवर बी योर फर्स्ट लैंग्वेज. अब क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज तो आपकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, पिजिन आपने एक ऐसी भाषा बनाई जो आपको किसी ट्रेड के लिए या किसी एक ऐसे इंसान से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है जिसके बीच में और आपके बीच में कोई भी कॉमन भाषा नहीं है, उस भाषा को हम लोग बोलेंगे पिजिन भाषा. अब सपोज करिए ये दोनों भैया दोनों ने पिजिन बना लिया, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इनका मतलब डेली की बोलचाल भाषा में एक दूसरे से ट्रेड करने का ही इनका काम बनता है और वो इनका पिजिन भाषा को इस्तेमाल करके हो जाता है. सपोज करिए सालों हो जाते हैं कि ये दोनों कम्युनिटीज आपकी पिजिन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, भाई बच्चे तो इस कम्युनिटी में पैदा होते रहेंगे ना, उस बच्चे के लिए जो इस कम्युनिटी में जन्म ले रहा है उसको तो ये नहीं पता है कि इन दोनों ने इस नई भाषा को खुद से जन्म लिया है, ये एक एक्चुअल भाषा नहीं है. पिजिन आगे जाके बन जाती है आपकी क्रियोल, जो एक प्रॉपर फर्स्ट लैंग्वेज की तरह बन सकती है आगे जाके क्रियोल के तौर पे, क्योंकि उस बच्चे को तो नहीं पता कि हमारे माँ बाप ने किससे क्या कह के ये लैंग्वेज बनाई, टूटी फूटी लैंग्वेज. उस बच्चे के लिए ये एक प्रॉपर लैंग्वेज है जिसकी प्रॉपर वोकैबुलरी होगी, जिसकी प्रॉपर ग्रामर भी होगी, एंड वो बच्चा इसको अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकता है. तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पिजिन एंड आपके क्रियोल का. अब आप ध्यान से वापस से इसको पढ़िए एंड आप अपना आंसर स्ट्राइक करिए. लेट मी शो यू द आंसर. Creole begins as pidgin and eventually becomes the first language of the speech community. मैंने कहा ना कि क्रियोल जो होती है वो आपकी पिडजिन भाषा से ही जन्म लेती है. पहले आपकी पिडजिन आएगी, बाद में आपकी क्रियोल आएगी, एंड क्रियोल आपकी बाद में जाके उस कम्युनिटी की फर्स्ट लैंग्वेज बन सकती है. पिडजिन एंड क्रियोल इवॉल्व सक्सेसिवली आउट ऑफ अ सिचुएशन वेयर स्पीकर्स ऑफ म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल लैंग्वेजेस. इस तीन फ्रेज को याद रखना, म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज, ये आपके पिजन के हर क्वेश्चन में फिट हो जाएगा और मैं आपको अभी ये दिखाऊंगी भी और प्रूव भी करूंगी. डेवलप अ शेयर्ड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन ऑफन बेस्ड ऑन वन ऑफ दोस लैंग्वेजेस.
पिछली जो भाषाएं इनको आती हैं उसके टुकड़ों के, उसके कुछ लैंग्वेजेस के हिस्सों को इस्तेमाल करके ये लोग एक नई ट्रेड भाषा का जन्म लेते हैं, जो एक ब्रिज लैंग्वेज के काम आती है या फिर आपको कम्युनिकेट करने के काम आती है, एंड आगे जाके आप इसको इवॉल्व भी कर सकते हो। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा अगला क्वेश्चन। पिजन इज फॉर्म्ड बाय टू म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल स्पीच कम्युनिटीज ट्राइंग टू कम्युनिकेट यूजिंग द मोस्ट ऑब्वियस फीचर्स ऑफ ईच अदर्स लैंग्वेज। एक दूसरे की भाषा के जो सबसे बिल्कुल मोस्ट ऑब्वियस लैंग्वेज होती है ना, हम लोग जब भी किसी भाषा को, नई भाषा को सीखने की कोशिश करो तो हाय हेलो इन सबसे, जैसे बॉन्जोर हो गया आपका, आप दूसरे शहर में जाते हो हेलो सेनोरिटा, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हाय हेलो से, थैंक यू से हम लोग स्टार्ट करते हैं जो सबको समझ में आती है। तो ये हो गई पिजन। दूसरा है, Notwithstanding the number of years a pidgin is spoken, it can never become the mother tongue of a community. क्या आपकी pidgin कभी भी किसी भी बच्चे की mother tongue नहीं बन सकती है? तो ये आपका statement incorrect हो जाएगा, क्योंकि pidgin आगे जाके किसी बच्चे की क्रियोल बनती है और क्रियोल उस बच्चे की first language या mother tongue बन सकती है। तो statement one correct है, statement two आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही जल्द मेरा लिंग्विस्टिक्स एंड पेडागॉजी पे फुल कोर्स भी आ जाएगा, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड होगा इसको अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए वो मेरे कोर्स को जरूर से अवेल कर सकता है। एसोशन एंड रीजन, आप देखिए, डायलेक्ट्स आर द ब्रॉड रेंज ऑफ सोशल एज वेल एज रीजनल वराइटीज़। ये मैंने आपको पहले ही समझाया कि भैया हिंदी भाषी देश में हम लोग रहते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके के डायलेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपकी सोसाइटी और रीजनल वेरिएशंस के अकॉर्डिंग आपकी अलग अलग होती रहती है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। रीजन, अ डायलेक्ट डिस्क्राइब्स वेरिएशंस नॉट ओनली ऑन द फोनोलॉजिकल लेवल, सिर्फ सुनने के तौर पर नहीं, उसका ग्रामर एंड आपका लेक्सिस जो सिंटैक्स होता है, वोकैबुलरी होती है, वो भी उसकी अलग अलग होती है। तो बोथ ए एंड आर आपका ट्रू हो जाता है, लेकिन आर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। भाई, एक बिहारी बंदे की जो वोकैब होगी वो अलग होगी आपके लखनवी बंदे से, लखनवी बंदे की जो हिंदी बोलने का तरीका होगा वो हरियाणवी बंदे से बिल्कुल अलग होगी, या फिर मतलब लखनऊ में ही अलग अलग तरीके के भी और भी डायलेक्ट्स आपके हो सकते हैं। बेसिकली एक रीजन के अकॉर्डिंग जो अलग अलग तरीके की वोकैब और सुनने में भी अलग लगती है वो इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई names aptly names the language resulting from the contact of two mutually unintelligible language system. By the end of this video aapko pidgin se leke koi bhi confusion nahi bachega. Agar ye confusion dur hua hai to mujhe bhaiya ek apna positive feedback zarur se likhkar bhejna. I would love to hear that ki aapko ye question nahi samajh mein aata tha ki ye pidgin and creole kya hai, and ab aapko samajh mein aa gaya. To ye jo maine aapko kuch keyword bata diye hain usko agar learn kar lete ho to question aapke bante jayenge. Dhyan se is क्वेश्चन को देखिए, एन एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज्ड फॉर ओरल वर्बल कॉन्टैक्ट अमंग अ कम्युनिटी हुज मेंबर्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बट डू नॉट शेयर अ कॉमन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू फुलफिल द एसेंशियल नीड्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाई, उनकी कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं है, तो जो नई एक भाषा का वो लोग जन्म देते हैं, जिस भाषा को जो कम्युनिकेट करने के लिए उनके लिए आसान होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रियोल, पिजन, डायलेक्ट या फिर लिंगुआ फ्रैंका, उसको हम लोग बोलेंगे पिजिन। ठीक है, हमेशा ये मत देखना कि वो म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल तो नहीं लिखा है, तो ये तो भैया मेरा पिजिन नहीं होने वाला है। पिजिन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो उसके टाइप के मैं सारे क्वेश्चन लेकर आई ताकि आपके मन में कोई भी आपको कंफ्यूजन ना बचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट आस्क्स द क्वेश्चन हाउ डू वी नो व्हाट वी नो, वो कौन सी है ब्रांच ऑफ फिलोसफी जो आपको बताती है कि कैसे आपको किसी भी चीज के बारे में मतलब पता है या नहीं पता है। तो इस पर्टिकुलर आपकी चीज़ को कहते हैं, फिलॉसफी को कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, जो एक इस चीज़ के ओरिजिन में चली जाती है, उसके सोर्स में चली जाती है और उसको जानने की कोशिश करती है। एंड हेयर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आप इसी तरीके से सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस करना चाहते हो, जैसी आप सबकी डिमांड थी कि भाई मैम आप सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस कराइए, तो आप ज़रूर से हमारे इस PYQ टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बोथ ईयर एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इंटरेस्टेड हो मुझसे पढ़ने के लिए, बहुत ही आसान लगता है, तो मेरे बने हुए जो अभी करंट कोर्सेज हैं उनको जरूर से मेरी वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही आसान भाषा में आपको किसी भी कठिन कठिन कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। मेरी यूट्यूब की सभी
फ्री प्लेलिस्ट से आप लोग जुड़े रहिए। मैं बहुत डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ इसी तरीके से, जो आपकी आपके पढ़ाई में बिना किसी शुल्क के आपको मदद करते हैं किसी भी टॉपिक को समझाने में। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन करना भाई, वहाँ पे आपको बहुत सारी फ्री सर्विसेज मिलती है। डेली बेसिस पे आपको 4 से 5 बार पोल्स एंड टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, किसी भी टॉपिक को लेके आप चैट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वो आप यहाँ पर आकर डिस्कस कर सकते हो। मेरे वॉइस नोट्स, किसी भी टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर ही डालती हूँ, तो आप ज़रूर से उसका पार्ट बन जाए। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना अपना फीडबैक। नेक्स्ट कौन से सेक्शन वाइज भी वाइक्यूज़ को देखना चाहोगे वो भी आप लोग कमेंट करके जाना, होमवर्क जो दिया वो भी बताना। ओवरऑल मेरा चैनल एंड मेरा ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन गेट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।